जामिया इलाके में हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नष्ट करने और दंगा फैलाने मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर शर्ट उतारकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंपस में हुए लाठीचार्ज के विरोध में यह प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। इतनी ठंड में शर्ट उतारकर प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। बता दें कि प्रदर्शन को देखते हुए जामिया प्रशासन की तरफ से 5 जनवरी तक छुट्टी का भी ऐलान किया गया है, जिसके बाद से कई छात्र घर लौटते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। ये तस्वीरें आपको इस तरह से शर्ट उतारकर नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए छात्र शर्ट उतारकर प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुर्दाबाद नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये सख्त नाराजगी। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस तरह से जामिया में हिंसा बरकरार है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। तो दिल्ली के जामिया कैंपस पर बवाल पर छात्रों को मिडनाइट प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो गया है। हालांकि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि छात्र होने पर उपद्रव का अधिकार नहीं मिल जाता, लेकिन छात्रों में किस तरह अभी भी नाराजगी, इतनी ठंड लेकिन इस ठंड के बीच शर्ट उतारकर किस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं छात्र, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी स्थिति के मद्देनजर जामिया प्रशासन की तरफ से छात्रों को घर वापस जाने की हिदायतें दी जा रही, क्योंकि जिस तरह का माहौल बिगड़ रहा है उसके चलते वहां रह रहे छात्रों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर उन्हें घर जाने की हिदायतें दी जा रही है। और इस दौरान कई जो छात्र हैं वो घर लौटते भी दिखे, लेकिन कुछ चुनिंदा जो छात्र हैं उनमें नाराजगी है और प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो शर्ट उतारकर ये नाराजगी जाहिर करते छात्र दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि सुबह 4 बजे जिस तरह से विरोध को खत्म किया गया कि अब दिल्ली शांत होगी, लेकिन अभी भी जंग कहीं ना कहीं जामिया में जारी।